हमारी मांग है कि काला कानून जो सरकार पेश किया है उसको वापस करें। फिजिकल टीचर एसटीटी का बहाली हो चुका है, उन लोग के लिए 3 टाइम एग्जाम, तो हम लोग से भेदभाव क्यों हो रहा है? शिक्षा मंत्री का छोड़िए, हमारे बिहार राज्य के मंत्री जो 9वीं फेल है वो बोर्ड का एग्जाम नहीं दे सकते, वो बीपीएससी का बात कर रहे हैं। एग्जाम से नहीं डरते पहला स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन बात है कि 14 दिन से छटे हुए थे, आज वो 14 दिन से पहले हमको मौका मिल जाता आज हम लोग रोड पे नहीं होते, बोर्ड पे होते। ये नियम वाली अब 4 साल पहले लगा देते, 2019 में ही कह देते कि हम एग्जाम लेंगे, बाबू हम लोग एग्जाम का तैयारी करते, लेकिन आपने तो कहा था कि सीधे नियुक्ति पत्र देंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। ये तो नई नियमावली को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो गए हैं और गर्दनीबाग धरना स्थल पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहिएगा? एक साथ हम लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारी मांग है कि काला कानून जो सरकार पेश किया है उसको वापस करे, हम लोग को नियुक्ति पत्र दे, बाद में एग्जामिनेशन लेगा, क्योंकि केवल 11 दिन से हम लोग छटे हुए हैं। आप देख रहे हैं फिजिकल टीचर एसटीटी का बहाली हो चुका है, उन लोग के लिए 3 टाइम एग्जाम, तो हम लोग से भेदभाव क्यों हो रहा है? तो ये बात हम सरकार से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि हम लोग का नियमावली जो है उसको वापस करके नियुक्ति पत्र दे, और साथ साथ हम लोग का 7वां चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा, जैसी नियमावली है वही। शिक्षा मंत्री का छोड़िए, हमारे बिहार राज्य के मंत्री जो 9वीं फेल है वो बोर्ड का एग्जाम नहीं दे सकते, वो बीपीएससी का बात कर रहे हैं। पहले खुद तो 10वां का एग्जाम दीजिए, सेकेंडरी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, अब जिसकी बात करें हम लोग एग्जाम से नहीं डरते हैं, पहला स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन बात है कि 14 दिन से छटे हुए थे, आज वो 14 दिन से पहले हमको मौका मिल जाता आज हम लोग रोड पे नहीं होते, बोर्ड पे होते। पहले ये बात है, एग्जाम से डर नहीं है सर, बहुत लोगों को लगता है एग्जाम से, एग्जाम क्या, बचपन से एग्जाम देते हैं और 10-20 एग्जाम देंगे, लेकिन हम, हमारी मांग है पहले हमें नियोजन कर लीजिए, फिर हमें एग्जाम लीजिए, अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं हमको सेवा मुक्त कर दीजिए। दूसरी बात है कि जो आप पूर्व में शिक्षकों को कह रहे हैं कि नई बहा भर्ती पे आप लोग एग्जाम दीजिएगा, अगर पास हो गए तो राजकर्मी, आप फेल हो गए तो पंचायत के शिक्षक बने के रहेंगे, उनके साथ भी ये लगाएं कि वो लोग भी अगर फेल हो गए तो उनको भी सेवा मुक्त। आप एक हाथ से दोनों चीज़ को बराबर से देखिए, हम लोग चाहते हैं, देखिए सर हम लोग आज 4 साल से सरकार के प्रवक्ता, मुख्यमंत्री साहब, तमाम लोग बोले थे कि आपको सीधा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आप सारी अर्हता पार कर चुके हैं। पूर्व में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का कहना था आप लोग की तुरंत बहाली हम लोग कर देंगे, पूरा साल बहाली हो रही थी, लेकिन अभी तक अचानक आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया एग्जाम की प्रिपरेशन तो हम लोग किए ही नहीं थे, अब आप कहिए कि आज एग्जाम का कंडक्ट कराते हैं, 10 दिन में आप कहिए तैयारी करिए, ये नियम वाली अब 4 साल पहले लगा देते, 2019 में ही कह देते कि हम एग्जाम लेंगे, बाबू हम लोग एग्जाम का तैयारी करते, लेकिन आपने तो कहा था सीधे नियुक्ति पत्र देंगे। अटकाने की कोशिश की जा रही है, एकदम अटकाने की, बाद में हमारी बहाल मांग भी ली जाती है, नियमावली वापस जली जाती है तो फिर आने में 2 साल लगेगा, तो हमको नियमावली में संशोधन चाहिए। आप इस नियमावली में लिखिए कि जो भी 4 साल से वंचित अभ्यर्थी हैं 2022 तक जो भी सीटेट पास हैं उनको हम पूर्व की भांति बहाली कराएंगे, और 8वें चरण या नया जो भी आप अध्याय रचने जा रहे हैं उसमें आप इस नियमावली से भर्ती की प्रक्रिया। नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है क्या? दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं, दिल्ली दौरा कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बिहार में जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं? अरे कुछ आदमी के हो जाता है घमंड कि हम नियमावली लगा देंगे, अभ्यर्थी इधर मरेंगे और हम मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उनको पता नहीं कि अभी चुनाव हो जाए कि आज हुआ वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनको जो प्रधानमंत्री का सपना लेके घूम रहे हैं ना, यही गर्दनी बाग से ही बिगुल फुका जाएगा कि वहाँ इनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भी छिनान जाएगी, 2025 का चुनाव आने दीजिए। लाखों लाख बहाली की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, फिर परीक्षा की बात कर रहे हैं क्या? ये लाखों लाख बहालियाँ एक तरह का सिर्फ लॉलीपॉप है, किसी तरह जनता को फिर से ठगा जाए और लाखों बहालियों के चक्कर में करोड़ों वोट हमको मिल जाए, और कोई बात नहीं है, ये लगातार ठगने का काम कर रहे हैं बिहार में। पिछले 4 साल से हम लोग पास करके लगातार कभी गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है लगातार 4 साल से हम लोग सड़क पर हैं, और ऐसा नहीं 4 बार सीटेट पास कर चुके हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से क्या कहिए? सरकार से यही कहेंगे कि नियम जो नियमावली सरकार ले आई है उसमें संशोधन करके हम लोग की बहाली की प्रक्रिया को पूरा करें, और उसके बाद फिर सारे लोगों का जो आप एग्ज़ाम कह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको अगर हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं
तो वैसे कंडीशन में आप हम लोगों को बर्खास्त कर दीजिएगा। देखिए यह तमाम अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी लगातार नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम परीक्षा से नहीं डरते हैं, एग्जाम से हम नहीं डरते हैं। देखा जाए तो चार वर्ष तक इंतजार करने के बाद उस तरीके से नियमावली आई और उसमें कहा गया परीक्षा देना है, ये कैसे पॉसिबल है। तो वहीं अभ्यर्थियों का लगातार कई सारा गंभीर आरोप है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि बहाली हम करने के नाम पर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि देखा जाए तो अभ्यर्थियों की बहाली नहीं कर रहे और लगातार बहाली फंसाने की कोशिश कर रहे। तो फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों की आपने बात सुनी है, यह तमाम अभ्यर्थी जो एग्जुट हो गए हैं तो वहीं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी एजा के साथ अभिषेक रिपोर्ट।